आप बड़ियर में कहाँ रहते हैं? बड़ियर में वैसे तो बाराबंकी जिला शुरू से अफीम, स्ट्रॉबेरी और केले की खेती के लिए काफी मशहूर है, लेकिन आज हम आपको बाराबंकी में एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जो पान की दुकान है, और ये पान की कोई नॉर्मल दुकान नहीं है। 1974 से ये दुकान यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई नॉर्मल पान नहीं मिलता, ये आयुर्वेदिक पान लगाते हैं, और इस आयुर्वेदिक पान के काफी दूर दूर से लोग शौकीन हैं जो आते हैं, तमाम लोग मुरीद हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, और हम आपको पहले बात ही करा देते हैं कि आखिर इस पान की खासियत क्या है। क्या नाम है आपका? जी नितेश। नितेश, नितेश जी, क्या मजा मिलता है इस पान में? सबसे बड़ी बात तो खासियत जो है, पान खाने से इसमें केमिकल नहीं, जिस प्रकार से लगाते हैं पान उसमें केमिकल का कोई प्रयोग नहीं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इनके पास तरह तरह के स्वाद हैं पानों में, जैसे आप तम्बाकू का खाते हैं, मीठा खाते हैं, ये तमाम वैरायटी देते हैं। जैसे अभी हमने जो खाया है उसमें जो आम की चोपी होती है उसका जो टेस्ट होता है वो पान में आ रहा है, तो एक तरह से बड़ा बेमिसाल हो जाता है। और अभी देखिए दादा एक और दिए हैं, और डली आप जैसी चाहेंगे वैसी डली मिलेगी, चाहे वो भीगी मांगे चाहे आप सूखी मांगे, हर प्रकार की डली सारे मजे यहाँ मिल जाते हैं। आप समझिए पान की दुकान पे नहीं, मिठाई की दुकान पे खड़े हैं। क्या करते हैं वैसे? मैं अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता है तो मतलब बगल में रहते हैं, तो पान के तो शौकीन बराबर आते रहते हैं। पान से नुकसान नहीं है, पान का जैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो लोग मसाले खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो उससे नुकसान है, लेकिन यहाँ पर ये खासियत है कि बिना केमिकल का आपको पान मिलता है, ताजा पत्ता मिलता है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसा कुछ रोग के इलाज भी दादा ने बताया कि हमारे पान से हो जाता है? देखिए आते हैं यहाँ पर हम लोग और तमाम लोग भी आते हैं, पान की दुकान की सबसे बड़ी खासियत होती है, बनारस में आप जाएंगे तो वही एक पद्धति यहाँ पर भी है कि पान को भगवान शिव का बहुत पूज्य माना जाता है, और पान के ऊपर तम्बाकू रखी नहीं जाती। बनारस में पान अलग मिलता है, तम्बाकू अलग मिलती है, तो जिन दुकानों पर पान की दुकानों पर मसाले की लड़ी टंगी रहती है वो कहीं ना कहीं गलत है। वास्तव में पान वही बेच सकता है जो महादेव भगवान शिव का भक्त है, क्योंकि पान भगवान महादेव का अत्यंत प्रिय है, इसीलिए बनारस में पान की काफी ज्यादा उपयोगिता है, और इसीलिए बनारस के पान को कहीं ज्यादा प्रिय किया जाता है, उसको एक प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। पान की बात हुई, देखिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो लखनऊ से हूँ। कब से खा रहे हैं पान इनका? बहुत दिनों से। क्या मजा मिलता है पान में? बहुत मजा मिलता है। पान की दो खासियत और मैं बता दूं, सुबह में खाली पेट यदि जो बुजुर्ग है जिनको घुटनों में दर्द होता है, यदि वो पान खाते हैं उसमें जर्दा ना यूज करें, उनका जो कैल्शियम उनको जो बनना कम हो जाता है 35 के बाद, उनकी पूरी वो घुटनों के दर्द चली जाएगी। और जिनको डायबिटीज है वो अपना एक खिली रोज सुबह में खाली पेट खाएं, उनकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी। तो हम आपने याददाश्त जब से बचपन से आपसे होश संभाला है तब से हम लोग इनकी दुकान पे आ रहे हैं बराबर, और पान खाते हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी खाते थे हम, समझे। क्या खास है इनके पान में? इनके पान में ये है कि अगर मुंह में छाले हो जाएं या पेट में गैस बन रही हो, अगर खा लीजिए तो ये तुरंत आराम मिलेगी आपको। बेनी बाबू के मित्र भी हैं, बता रहे हैं कि जी 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 बेनी बाबू जो ये मिनिस्टर होते थे तो अक्सर उनकी गाड़ी यहाँ पे आकर रुकती थी और पान खाते थे, उसके बाद जाते थे। पान है, देखिए वकील साहब और है पान के शौकीन, कौन सा पान खा रहे हैं दादा? हम तो गैस की बीमारी हो गई है दिन, इसलिए जो है गैस वाला पान दादा देते हैं, यही खा रहे हैं। कुछ आराम मिला इससे आपको? अभी खा रहे हैं दादा, दे रहे हैं आराम तो थोड़ा मिला, कभी आ रहे हैं। मेरा नाम फखर आलम है। कब से दादा का पान खा रहे हैं? दादा पान बहुत ज्यादा दिनों से नहीं खा रहे हैं, मगर जब से मुझे प्रॉब्लम हुई, गैस की प्रॉब्लम हुई, गैस बनती थी बहुत, तो मुझे पता लगा कि आयुर्वेदिक पान देते हैं, तो मैं आया पूछा कि मतलब क्या इसमें पान में आयुर्वेदिक में क्या गैस का भी कुछ हुआ है, तो उन्होंने बताया हाँ है, या आराम है पहले से, आराम मिला। अभी तक हम सुनते थे कि बनारस का पान, खाई के पान बनारस वाला उसके नाम से मशहूर था, मगर यहाँ तो ये आयुर्वेदिक पान के नाम से मशहूर है, और बाराबंकी वाला हो गया, बाराबंकी वाला हो गया। और यहाँ नहीं, ये इंग्लैंड सऊदीया तक यहाँ से पान जाता है, ऑर्डर पे जाता है। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात है कि बाराबंकी का पान सऊदी और इंग्लैंड तक जाए, तो अपने आप में अतिशयोक्ति है। तो चिरा का पान जो है बहुत ही लाजवाब पान है, आयुर्वेदिक पान है, और जो भी खाता है इनका दीवाना हो जाता है। नाम क्या है? राजेंद्र कुमार उर्फ पुतान। कब से पान का लगा रहे हैं, कब से दुकान है? 1974। क्या खासियत है आपके पान में? जो कुछ लगाते मन से लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें कोई कार्बनिक एलिमेंट ना हो। अच्छा, बड़ा छुपा के पान लगाते हैं, इसका क्या रहा है? कि लोग कम आवे। अच्छा, ज्यादा बिके ना?
ज्यादा बिके ना। नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि जितना हम दे नहीं पाते हैं वापस चले जाते हैं, जो वापस जाते हैं तो दुख लगता है। जो सुना है कि बेनी प्रसाद वर्मा जो स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री थे वो भी पान खाते थे, क्या क्वालिटी थी वो भी? और के उनके जो बेटे हैं राकेश वर्मा, वो क्या? राकेश वर्मा तो भयंकर पान खाते थे, हम मसाला खाने लगे। अच्छा, तो आप ही का दुकान का पान खाते थे? आप बड़े में कहाँ रहते हैं? बड़े में बस यही शांति पैलेस जो देखा है बड़ेल वाला नहर पे जी जी, जस्ट इसके नीचे ही जैसे उतरेंगे थोड़ी दूर पे है। दादा के पान लगाने की टेक्निक जो है ये देखिए, पूरा भंडार इनका नीचे है और छुप छुप के दादा पान लगाते हैं, करिश्माई पान लगाते हैं। और इस पान के दीवाने देश ही नहीं विदेश तक हैं। दादा विदेश में भी पान जाता है आपका? जी हाँ, सिद्धौर एक मियाँ है जो यही पढ़ते थे नब्बे काल में, अब वही पर उर्दू के टीचर हो गए हैं इंग्लैंड में। साल दो साल में आते हैं तब तो पान तो लेते ही हैं, और जब यहाँ से कोई इंग्लैंड जाता है तो पान लेकर जाता है खिलाने के लिए। सिद्धौर के हमिया उर्दू पढ़ाते हैं इंग्लैंड में। अच्छा जी, यहाँ से लेके जाते हैं? हाँ, अब सऊदीया तो जाता ही रहता है। अच्छा, सऊदीया जाता रहता है, ओमान। ओमान जी, मतलब यहाँ के जो खाने वाले जानते हैं आपको, जब जाते हैं तो खाते हैं और लेके जाते हैं जी। पान की फर्क कैसे? अच्छा, पान ये जो आप मार्केट में नॉर्मल पान मिलता है वही है या कुछ अलग है? नहीं, ये पान अलग है, ये जगन्नाथी पान है। अच्छा जी, कहाँ से मंगाते हैं आप? ये लखनऊ से आते हैं। मतलब कोई दे जाता है या आप खुद जाते हैं? नहीं, हमारी वाइफ जाती है, हम नहीं जाते कहीं। अच्छा जी, और घर में कौन कौन है आपके भाई बहन? भाई जो थे सब पान लगाते थे, आज से बहुत साल पहले इसी दुकान से सर्विस लगती गई और रिटायरमेंट होता गया। चार भाई थे और तीन बहन सभी। हाँ अच्छा, ये मतलब आपका कोई फैमिली बिजनेस था या ऐसे? नहीं, फैमिली बिजनेस कभी नहीं था। हम इसके पहले जब पढ़ते थे तो हम टिशरी भी किया है यहीं पर सरस्वती शिशु मंदिर में, लेकिन हमको इसलिए निकाल दिया गया कि आप नॉलेज बहुत है और हम पैसा आपको कम देते हैं, तो दिल चुक गया हमारा। इसके पहले हम मतलब टेक्निकल था हमारा, रेडियो दुकान की सुंदर रेडियो सर्विस, जब इंटर पास कर लिया था तो सब में हमारी रेडियो की दुकान थी। अब भी हम रेडियो का पूरा काम जानते हैं, जब रेडियो का अब खत्म हो गया अब कोई मतलब ही नहीं। अब ये पान मतलब उतना ही पैसा चाहिए जितना जीव का पार्जन हो, सबसे बड़ा दान तो है समाज की सेवा करना। इसलिए पूछा क्योंकि कुछ लोग का फैमिली बिजनेस होता है, पनवाड़ी कहलाते हैं वो लोग। हम श्रीवास्तव। अच्छा, पता है ना, हम श्रीवास्तव जब कक्षा 10 में पढ़ते थे और रामनीति मूर्ति से हमारे प्रिंसिपल थे, जब फार्म भरा जा रहा था हाई स्कूल का, तो पिता का नाम श्री सुंदरलाल श्रीवास्तव और हमारा नाम राजेंद्र कुमार, कहा श्रीवास्तव लिखो। हमका श्रीवास्तव नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखोगे? हमने कहा नहीं, इस सब भी हो रहा है और कुछ सालों बाद ये जात जो है पूरे देश को चौपट कर देगा, इसे हमारे सारे भाई श्रीवास्तव लिखते हैं, पिता श्रीवास्तव थे ही, हमारी बीबी श्रीवास्तव है, हमारा नाम राजेंद्र कुमार है, हम श्रीवास्तव नहीं आए। लास्ट में कितनी बड़ी बात दादा ने कही कि जो श्रीवास्तव है कास्ट से, लेकिन उन्होंने श्रीवास्तव आज से 50 साल से ऊपर लगाने के मना कर दिया था, कि क्योंकि उनको पता था उस समय कि आगे चल के जात समाज की दुश्मन बनेगी, और आज उन्होंने अपना नाम से अपनी कास्ट हटा दी सिर्फ ये संदेश देने के लिए कि जात पात का कोई मतलब नहीं। आज वो समाज सेवा कर रहे हैं, पान लगा रहे हैं, आयुर्वेदिक पान लगा रहे हैं, जहाँ पर लोग शौकियन भी खा रहे हैं और जो कुछ लोग छोटे मोटे रोग से ग्रसित है, किसी को गैस है, किसी को मुहा है, दारा तो कैंसर तक के इलाज की बात कर रहे हैं। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, ये दावा दादा खुद कर रहे हैं, दादा के ग्राहक कर रहे हैं, जिससे ग्राहक ये रोग ठीक होते हैं। ये ऐसा ना जी न्यूज़ जी मीडिया दावा कर रहा है, ना हम दावा कर रहे हैं, ये दादा का कहना है, दादा के ग्राहकों का कहना है कि उनका मुहा, उनका गैस की जो रोग है वो ठीक हुए हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी बात है, बाराबंकी में ये एक स्पेशल दुकान कहेंगे, सज्जो अज्जो पान की दुकान 1974 से यहाँ पर लग रही है, और यहाँ पान की आयुर्वेदिक वैरायटी है जो बराबर 25 तरह के करीब यहाँ मसाला उसमें डालते हैं, उसमें सेंट डालते हैं, उसमें लौंग का फ्लेवर रहता है, उसका तमाम चूना स्पेशल रहता है। तो ये बड़ी बात है बाराबंकी के लिए भी, बाराबंकी का स्पेशल पान है। बाराबंकी से मैं नितिन श्रीवास्तव, जी मीडिया के लिए। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।